जब लिखने की बात आती है ना, तो कभी भी इसका इख्तियार हमारे हाथों में होता ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी में जब हम इतने सारे लम्हों से गुजरते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो ख्यालात हमारे एक उस जहन में बसने लगते हैं जहां पे हमारा इख्तियार भी नहीं होता। लेकिन बस उनकी एक याद हमें हर वक्त सताती है, हर वक्त उनकी बातें याद दिलाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब इस चीज को निकालो, नहीं है जगह अब जहन में मेरे कि मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त कर सकूं। और ये जो होता है ना, ये सिर्फ उनके लिए ही होता है जिनके लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हो, जिनसे आपको एक लम्हे में मोहब्बत हो जाती है, लेकिन आपका जहन उस चीज को कभी प्रोसेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप आदी होते हो, आप आदी होते हो कि जब भी आपको मोहब्बत हो तो आप उन ख्यालातों को अपने जहन में जगह दे दो, और फिर एक वक्त आएगा वो ख्याल कहेंगे कि हमें बाहर निकलना है और आपको मजबूर करेंगे कि आप लिखो 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 और अपने उस स्टेज तक आ जाओ जहां पर आपको रास्ते ना दिखे। तो कोई बुरी बात नहीं है, वाकई में कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम अपने उन जहन की दीवारों से निकले और बाहर खुली हवाओं में जाके अपने आप को ढूंढें, और फिर पता चलता है कि हम शायद अपने आप को ढूंढते हुए तुम्हें खो देना चाहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिससे कभी आपको मोहब्बत हुई हो उसको आप हमेशा अपने दिलो जहान में बसा के रखें। इसलिए जरूरी है कि हम बस उनको एक लम्हे में आके जाने दें, चाहे वो हमारी जिद ही क्यों ना बन सके हो, चाहे वो हमारा पहला प्यार ही क्यों ना हो। सोचों में फिर आते हैं उसी हसी नाम पे अक्सर सदकाए जाते जाते हैं। नैना 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 फासले हो गए तो क्या हुआ, अभी भी दिल अब साथ ही चलते हैं। नैना 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 इब्तिदा कहाँ की इंतहा, समझ नहीं आया अब साथ यहाँ। जिद के थे फैसले अन्ना के सिलसिले, खो गए हम दो फिर से यहाँ। दिल का कैसा कुमार है, दिल दो फिर से तैयार है हमें ले फिर से